बसंत और मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बिहार का अपना भूलेख जैसे खाता खेसरा से आप कैसे देख सकते हैं, वो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सीएससी रिलेटेड या कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आएंगे दोस्तों, जैसे कि मैं ये तो साइट पे ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं आपको लाइव करने के लिए बस मैं दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों आप परेशान ना हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा लिंक, जिससे आप डायरेक्ट इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करके आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि कोई ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे कि मैं तो क्रोम यूज करता हूँ, तो क्रोम में ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए दोस्तों भूलेख बिहार। वैसे आप उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जहाँ के भी होंगे वहाँ के हो जाएगा। तो जैसे कि मैं तो बिहार से बिलोंग रखता हूँ, इसकी वजह से मैं बिहार का ही दिखा रहा हूँ। और भी चाहिए तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि और स्टेट का कैसे देखना है। तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो ऐसे इंटरफेस खुलेगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ कहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वक्त ले रहा है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि किस अपने बिहार स्टेट में किस जिले के हैं आप। तो जिस भी जिले के होंगे तो आप चूज कर लीजिएगा, जैसे कि मैं तो गोपालगंज का हूँ, तो गोपालगंज मैंने सेलेक्ट किया। अब इसी में, इसी मतलब मैप में आपको अपना पंचायत दिखाएगा, तो आप पंचायत को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल गया, डिस्ट्रिक्ट मिल गया, और आपका अनुमंडल जहाँ होगा वो सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि आपने पंचायत अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ से नाम अपने गांव का देखना है कि आपके गांव का नाम क्या है, तो उसको आप देखिएगा, जरूर मिलेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पकड़ी, हमारे यहाँ पकड़ी गांव के हम रहने वाले हैं, तो बस हमने अपने ही एरिया का निकाल के दिखा दे रहे हैं। और दोस्तों बस आपको बता रहे हैं कि कैसे आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जब तक वर्क कर रहा है तो देखिए वहां पे सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको मौजा के समस्त, ये पहला जो स्टेप वाइज है, मौजा को समस्त खातों को नामानुसार देखें। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो मौजा मतलब आपके पंचायत में जितने भी खाता मतलब जितने भी खेत होंगे वैसे दिखाएगा, खेत वाइज सबके नाम एक ही साथ दिखाएगा। और दोस्तों यहाँ पे करते हैं मौजा के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, तो इससे सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, खेसरा नंबर हो तो खेसरा नंबर से देख सकते हैं, आपके पास मौजा में ढूंढना है तो ढूंढिए। तो हमारे ख्याल से यही सही रहेगा कि आप या तो ये सेलेक्ट कीजिए खाता संख्या से देखें, या तो खेसरा संख्या से देख लीजिए, या खाताधारी नाम से। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन आप खाता संख्या से देखेंगे डायरेक्ट वहीं पे पहुंचाएगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास कोई खाता संख्या है नहीं, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको निकाल के, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे खाता संख्या लिख देना है और यहाँ पे तरीके देखना है या खाता खोजे, इस पे कोई भी सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे पूरे हाईलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।